तो ये सीधी तस्वीरें देवरिया से देख रहे हैं आप, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। वो निरीक्षण कर रहे हैं दरअसल मेडिकल कॉलेज का। तो देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम। तो ये सीधी तस्वीरें देवरिया से आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, निरीक्षण किया देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज की सौगात वहां पर दी जा रही है और उसी का निरीक्षण करने पहुंचे हैं सीएम योगी। तो ये खाका है वहां किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं इस मेडिकल कॉलेज के तहत लोगों को मिलेंगी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसी का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और उनके साथ तमाम अधिकारियों की जो टीम थी वो भी उन्हें पल पल का अपडेट दे रही थी कि कहां पर क्या जो व्यवस्था है वो की गई है। और आगे देखिए खबरें ताबड़तोड़। और आइए एक बार फिर से रुक करेंगे देवरिया का, आपको सीधा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, शुभारंभ करवाएंगे। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और राज्य सरकार के स्वयं के संसाधन से भी स्थापित हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज अपने आप में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान होता है। आज से 5-7 साल पहले देवरिया में भी कोई मेडिकल कॉलेज होगा इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश के अंदर एक नया अभियान प्रारंभ किया। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब मैं बात करता हूं, 1947 से लेकर 2016 तक कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने थे और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के सहयोग से और अपने संसाधनों से लगभग 32 मेडिकल कॉलेज 16 से लेकर के 2020-21 के बीच में बनाई है या उनको स्वीकृति दी है। विगत वर्ष हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8 नए मेडिकल कॉलेजेज में प्रवेश प्रारंभ किया था और सफलतापूर्वक मेडिकल कॉलेजेज अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को प्रदान कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और कोरोना महामारी के दौरान उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अभी एनएमसी के इंस्पेक्शन के साथ जैसे ही अप्रूवल मिलेगा 9 मेडिकल कॉलेजेज में प्रथम सत्र की शुभारंभ का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के कमलों से होगा, यानी 17 मेडिकल कॉलेज तो ये हैं जिन्हें हम मात्र 4-4.5 वर्ष के दौरान जिन पर हम पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं। और इस 21-22 के लिए हम 14 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, बजट का प्रावधान किया जा चुका है, वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब प्रदेश के अंदर 16 जनपद ऐसे हैं जहां पर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे 16 जो जनपद बचे हैं इनको भी हम पीपीपी मोड में एक नई कार्य योजना इनके लिए हम लोगों ने तैयार की, एक पॉलिसी हम लोगों ने इसके लिए बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत अगले 6 महीने के अंदर हम लोग इन सभी
जनपदों में भी एक एक नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में राज्य सरकार के सहयोग से और भारत सरकार के सहयोग से स्थापित करने की एक कार्य योजना को लेकर के आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जो विस्तार से बता रहे थे मेडिकल कॉलेज को लेकर, जिसका उद्घाटन होना है और उसी का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी। जनपद मेडिकल कॉलेजेस से आच्छादित होंगे। इसके अलावा हम लोगों ने विगत वर्ष 2 एम्स का भी शुभारंभ किया, एम्स गोरखपुर, जिसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में प्रवेश हुए थे, और रायबरेली में भी एम्स गोरखपुर और रायबरेली के एम्स बनकर के तैयार होने जा रहे हैं। गोरखपुर एम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अक्टूबर माह में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। एम्स विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के जाना जाता है, और एम्स के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्राप्त हो पाएगी, यह एक उपलब्धि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से विशेष रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। खासतौर पर जो उपलब्धियां इस दौरान प्रदेश ने हासिल की, एक हेल्थ तो 32 मेडिकल कॉलेज का निर्माण बीते 4 से 4.5 साल में किया गया, ये कहा सीएम योगी ने। आज देव यहां पर मेडिकल कॉलेज देवरिया में इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, इसी प्रकार से बस्ती में मेडिकल कॉलेज विगत सत्र में प्रारंभ किया जा चुका है, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है, उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। ये कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कुशीनगर में नया मेडिकल कॉलेज इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने स्वीकृति दी है, उसके लिए धन आवंटन हो चुका है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल कार्य वहां पर प्रारंभ भी हो चुका है। ये कुशीनगर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, यानी ये सभी नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, यानी मेडिकल कॉलेजेस की एक नई श्रृंखला यहां पर खड़ी हो रही है। देवरिया का ये मेडिकल कॉलेज, जिसकी कुल लागत लगभग 208 करोड़ है, इनमें से 155 करोड़ रुपए यहां पर अब तक खर्च हो चुके हैं, और ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एक फुल फ्लेश मेडिकल कॉलेज के रूप में इस मेडिकल कॉलेज के पास पर्याप्त अपना संसाधन होगा, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हमें मिला भी। हम सब इस बात को जानते हैं कि कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में, कैसे राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को इस कोरोना महामारी से बचाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। आप सब मीडिया से जुड़े हुए मित्र हैं और आप सब मीडिया से देश और दुनिया की खबरों को पढ़ते होंगे, कितना यानी दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, विकसित देश
कोरोना से त्रस्त हैं, संभले नहीं संभल पा रहा है। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण लिया, जायजा किया, वहां पर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जनता को मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि 30 जुलाई को इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाना है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री देवरिया में मौजूद हैं और वहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसी दौरान संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 4.5 साल में 32 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है, जिसमें कई मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं और 17 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं यहां पर पढ़ाई भी चल रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 एम्स गोरखपुर और रायबरेली में एम्स जो है वो उनकी सरकार ने दिया है। गोरखपुर एम्स अक्टूबर में शुरू होगा।